नमस्कार, आज हम लोग निकल रहे हैं हमारे स्टूडेंट के साथ में। थोड़ा सा भाई खड़े हो जाओ, हाथ वाथ दिखा दो। ठीक है, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं 12 फेल पूरे, मतलब हमारे जूनियर कॉलेज है 11 और 12 के बच्चे सारे नहीं, और 12 फेल इसलिए हम लोग देखने जा रहे हैं ताकि जीवन में कैसे संघर्ष होता है और संघर्ष से कैसे जूझ के सफलता को पाया जाता है। और दूसरी बात, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको IAS या फिर IPS ही बनना है। आप संघर्ष करिए, मंजिल जो भी हो आप पा सकते हो। बस यही एग्जाम्पल उन लोग को देना है या फिर यही वो लोग वहाँ से सीखेंगे, मुझे लगता है यही सीखेंगे और मैं भी चाहती हूँ कि वही सीखे। और दूसरी बात, शायद से यहाँ पे ज़्यादा जितने भी बच्चे हैं सब लोगों का पहला मूवी है शायद। आप लोगों ने पहले हॉल में देखा है मूवी नहीं देखा है तो उन लोगों ने कभी मूवी नहीं देखा है। मैं ये चाहती हूँ कि जो पहला मेमोरी होता है हॉल में तो वो लोग देखेंगे ही बाद में, जो हॉल में पहला मूवी देखने का जो मेमोरी होगा वो ऐसा हो कि जिंदगी में कुछ ना कुछ सिखा के जाए, तो मैं बस वही चाहती हूँ। और बाकी जितने भी देश के बच्चे हैं उनको भी मैं बोलूँगी कि 12 फेल मूवी थोड़ा देखें। मैंने 2019 में जब शायद 19 या 18 था जब मनोज जी का जब बुक निकला था तभी मैंने वो बुक पढ़ी थी, तो अभी किताब से एक मूवी बना है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अब बच्चे भी इसको एंजॉय करेंगे। DM হৈ আহিবা যেতে IPS হৈ আহিবা তেতে হে তো ফার্স্ট চাবা বক্স টো এতে এতটে চোৱা জে হে আছেনে আৰু আছেনে এতিয়াতো ব্ৰেক আহিছে কেনেকৈ লৈ লৈছে আচ্ছা লাগা আচ্ছা লাগা বোৰ লাগি আছে একো শুই গ'লা নেকি কৈ চৰে দেখে তুমি তো চৰে দে চাই আছে তেৰে মুখ পে কাহাঁ চিংগম আয়া ভাই আমাৰে তো সাৰে চিংগম নিকাল লিয়ে দে হে কৰা মিছে তে নাহিলে इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हम लोगों ने, क्योंकि पूरा हम लोग 11 और 12 पूरा क्लास यहाँ पे आए हुए देखने के लिए, तो फिर
पहले तो सब लोग थैंक यू, एक बार थैंक यू, थैंक यू बोल दो सब लोग। थैंक यू फॉर कमिंग एज अ गेस्ट। आज मैं तुमको मैंने तुम्हारा हाल को मेरे पास से तुम्हारा का लाइफ का इंस्पिरेशन बाबा। ए भले 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 ये जो शूट हो रहा है वो मूवी देख के आने के बाद में हो रहा है, ठीक है। तो मूवी के बीच में मैं तो कुछ कुछ पल में इमोशनल हो गई थी और आपके चित्रा में भी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रगल के साथ भी वो जुड़ गया था, ठीक है, मैच हो गया था। क्योंकि सबके जिंदगी में कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल होता ही है, वो भले ही वो आईपीएस बनने के लिए ना हो, आईएएस बनने के लिए ना हो, लेकिन सफल होने के लिए सबको क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। इस मूवी से तब तो हम लोगों ने क्या सीखा, आप लोगों ने देखा कि ये गांव कलर का, और हम लोग भी वही गांव का ही है जहां पे हमारे माँ बाप को तो पता ही नहीं है कि, मतलब 99% हमारे माँ बाप को पता ही नहीं होता है कि यूपीएससी नाम का एक कोई एग्जाम है, उसको देने के बाद में बड़ा अफसर बनते हैं। मेरे माँ बाप को तो नहीं पता था, मैं ये तो बोल सकती हूँ। आप लोगों का भी ऐसा ही कुछ होगा, ठीक उसी तरह पीसीएस हो, उसके बारे में भी नहीं पता था। तो वो हमारे साथ में मैच हो रही है कहीं ना कहीं, नहीं। फिर एक लड़का आया जो देखा कि एक इंसान है जो पावरफुल है, डीएसपी है, हमारे यहाँ पे एसडीपीओ बोला जाएगा, तो वो आके क्या करता है, एग्जाम जो चीटिंग करके एग्जाम पास करता है वो रोकते हैं। अब हम तो थोड़े ना हम चीटिंग करते हैं, ये तो गलत है कि हाँ हम लोग गांव के हैं, हम लोगों को भी नहीं पता यूपीएससी एपीएससी क्या है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता, माँ बाप को नहीं पता, लेकिन आप लोगों को तो पता है ना। आप लोगों को तो अभी से नहीं, ये मूवी आया है तब से नहीं, हम लोगों ने पहले से ही हम लोगों ने डिस्कस करके रखा था। तो इसी बीच में ऐसा एक मूवी आया जो आपको पूरा सिनेरियो दिखाता है कि सफल होने के लिए आईएएस या आईपीएस बनने के लिए आपको क्या क्या स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो इसीलिए हम लोग देखने के लिए गए। तो चीटिंग तो हम लोग नहीं करते हैं, करते हैं क्या कोई, नहीं करते हैं और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को कमजोर कर लोगे चीटिंग करके तो आप सफलता नहीं पा पाओगे, नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अगर अभी से चीटिंग करना स्टार्ट कर दिया तो कहाँ आपको सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो वो तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों ने सब कुछ जान लिया कैसे एक इंसान कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा एक दिखाया गया कि एक क्या है, सांप सीढ़ी का खेल दिखाया गया है। हर किसी को आईएएस या फिर आईपीएस ही बनना है, इंसान को सफल होने के लिए आप कोई भी प्रोफेशन एक ले सकते हो, लेकिन संघर्ष के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ कि इंसान एक इंसान कितना संघर्ष करता है तब जाके बनता है। और यहाँ से आप लोगों के बीच में बनो भी, मैं वो भी चाहती हूँ कि आप लोगों में से कोई बनो, अगर ना बनो तो भी ऐसा काम करो जो दुनिया आपको बोले हाँ इसने अच्छा काम किया। तो स्ट्रगल बीच में आएगा तो कभी भी आप हमें हताश नहीं होनी है, स्ट्रगल करना है। मनोज जी बोलो, आप मनोज सर बोलो, कितना स्ट्रगल किया है, जीरो डाल, जिस इंसान को कुछ भी नहीं आता था उस इंसान ने स्ट्रगल किया। हिंदी मीडियम हम लोग बोले क्योंकि तो हमारा भी असमिस मीडियम होगा, एक दो का अगर इंग्लिश मीडियम होगा तो भी मैक्सिमम का असमिस मीडियम है, तो हम क्यों नहीं पा सकते, अगर वो पा सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते, है कि नहीं। आज से आप ठान लीजिए कि मैं क्यों नहीं, अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, ये चीज हमें करना है, सोचना है आज से, ठीक है। और बीच में रुकावट तो आएगी ही आएगी, कि आप जब कुछ भी काम करोगे हजार लोग बोलेंगे कि तुझसे ना हो पाएगा, ये क्या मतलब, क्या सोच के बैठा हुआ है, जो बोलेंगे उसके उसको बोलने दो, लेकिन हमें हासिल करना है। अब कभी भी खुद को कमजोर मत समझना कि हम असमिस मीडियम का है हम नहीं कर पाएंगे, हम ये मीडियम का है नहीं कर पाएंगे, नहीं, ठीक है, हम भी कोशिश करेंगे। अभी वक्त है आपके पास, 11, 12 है कि नहीं, 12, अभी 3 years बाकी है, किसी किसी का 4 years बाकी है, अभी से ठान लीजिए तो क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा जरूर होगा। अगर ये नहीं तो अगर कुछ और भी बनना चाहते हो तो अभी से लक्ष्य आप लोग बना लीजिए कि मुझे ये पानी, ठीक है। और जो इस बार एग्जाम देंगे सोच रहे हैं, ठीक है,
सोच लीजिए कितना मुश्किल से किया है। मुझे नहीं लगता आप लोगों के पास में कोई घर नहीं है, छोटा कमरा है, या फिर ये नहीं है, वो सुविधाएं नहीं है। मुझे तो लगता है कि आप लोगों के पास में हमारे मनोज सर से, मनोज जी से कई बेहतर आपके पास में संसाधन है, सब कुछ है। हाँ, वहां जाके हम लोग प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, दिल्ली नहीं जाके प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, मुखर्जी नगर में जाके नहीं कर सकते हैं, नेहरू बिहार में जाके प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप शिद्दत से करो तो घर में रह के भी, घर में पढ़ के भी आप आईएएस आईपीएस आप बन सकते हो। बन सकते हो कि नहीं? बन सकते हैं। अरे जोर से बोलो, लो जुड़ के गुआ, आप बन सकते हो या नहीं बन सकते हो? बन सकते हैं। बन सकते हैं, वेरी गुड। तो ये हम यहाँ से मैंने समझा दिया कि हमें कैसी, मतलब कैसे डट के मुकाबला करना है, ठीक है। और मेरी बात बोलूँ तो मैं यही बोलूंगी कि मैं जो इमोशनल हो गई थी, तो मैं जो किया है वो शायद से इतना महान नहीं कि मेरे नाम पे मूवी बने या बुक लिखा जाए, लेकिन कोशिश जारी है कि बुक मेरे नाम पे ना लिखे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मूवी मेरे नाम पे ना बने, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं उसके नाम पे अगर मूवी बन जाए तो भी मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, तो भी मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव के, मेरे जितने भी गांव के बच्चे हैं, सारे ऐसे ऐसे लक्ष्य को अपना लक्ष्य बनाए और उसे हासिल करें, ऐसे ऐसे सपने देखे जो गांव के कोने कोने के बच्चे कभी देख ही नहीं पा रहा है, वैसा सपना हम देखेंगे और पूरा करेंगे। आज के बाद, आज से 5 साल बाद हमें ये दिखाना है, आप लोगों का भी इंटरव्यू होगा, आप लोगों को बोलना है कि एक दिन हम लोगों ने 12th पे देखा था और उसी से हम लोग इंस्पायर हुए और आज हम लोग सफल हो गए, ये मुझे सुनना है, ठीक है, ये मुझे सुनना है, ये खाली नहीं जानी चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोग भी अपने आप में आत्मविश्वास रखें कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। आईएएस आईपीएस मैंने कि फर्स्ट मैं अलग अलग के देवतार पर शुनीसूँ, क्लास 9-10 जैसे पासी देवतार मूल पढ़ विषय कह तार पता एयरफोर्ड सिनियर सेकेंडेर स्कूल जैसे एन डी मैमे विशेषको यूर विषय मैंने विशेषको यूपीएससी विषय भल्ड आम क्या भल्ड मैंने यू অকমান মানে আগবাঢ়িছোঁ বুলি ক'ব পাৰি, মানে আগতে একোৱে বুজি নাপাওঁ মানে কি হয়, বহুত কথাই বুজি নাপাওঁ আচলতে, আৰু আজি এটা ডাঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল। চ' মানে সন্মুখতে মানে যেতিয়া আমি দৃশ্যপটে দেখি যাওঁ তেনেহ'লে একচুৱেল মানে সেইটোৰ ভিতৰত সোমাই যোৱাৰ নিচিনা লাগে, এইটো এটা ডাঙৰ মানে এচিভমেণ্ট বুলিয়ে ক'ব পাৰিম মই, যিমানে যি নহওক মোৰ কাৰণে ডাঙৰে এচিভমেণ্ট, যদিও আজি দিনটো যেনেকুৱা নহয় মোৰ কাৰণে ডাঙৰ এচিভমেণ্ট বুলিয়ে মই ক'ব পাৰি বিচাৰোঁ। আৰু লগতে হয় কৰিব পাৰোঁ যে আইএএছ আইপিএছ আমিও হ'ব পাৰোঁ, সেইটো সপোনটো মানে কিবা এটা দেখিবলৈ মানে আমাক এটা সাহস দিলে বুলি ভাবি আছোঁ। এই চিনেমা হলত এইটো ফাৰ্ষ্ট মুভি আছিলে চোৱা মোৰ, লগতে মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকৰো, গতিকে এইটো ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ, গতিকে এইটো মেমৰেবল হৈ ৰ'ব বুলি গোটেই জীৱনৰ কাৰণে হ'ব আৰু, এইটো এটা স্পেচিয়েল, নিজৰ হাৰ্ডৱৰ্কটো চবতকৈ আগত ৰাখি পেলাই নি সত্যপথত চলাটোৱে মানে এই দুটাই ঘাই আছো বুলি মই মোৰ আজি ধন্যবাদ জনাম আমাক আজি ইমান ধুনীয়া এখন চিনেমা চাবলৈ নিয়াৰ বাবে। চিনেমাখনৰ পৰা মই শিকিলোঁ যে কেনেদৰে আমি জিৰ'ৰ পৰা হিৰ' হ'ব পাৰোঁ। আজি আমি চিনেমা এখন চাবলৈ গৈছিলোঁ যিখনৰ নাম টেলটেল, ভাল লাগিলে, আৰু আজি চিনেমাখনে মোৰ কলত পোৱা প্ৰথম চিনেমা, ভাল লাগিল।